उधर टीकमगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। वार्ड नंबर 22 में पागल कुत्ते का आतंक है। एक बच्चे समेत बुजुर्ग महिला को इस पागल कुत्ते ने अपना निशाना बनाया है। महिला को बचाने आए युवक पर भी इस कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते के हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जो हम आपको दिखाते हैं। ये टीकमगढ़ का मामला है, जहां पर इस वक्त एक पागल कुत्ते का कहर देखा जा रहा है। वार्ड नंबर 22 की ये घटना है। आप देखिए किस तरह से ये कुत्ता एक महिला पर अटैक करता है। वो उसे वहां से भगाने की कोशिश भी कर रही है लगातार, और उसको बचाने के लिए एक शख्स भी आता है, लेकिन कुत्ता उस शख्स पर भी अटैक कर देता है। और इसी तरह की ये दूसरी भी तस्वीरें देख लीजिए। ये एक और सीसीटीवी फुटेज है, जहां पर एक बच्चा गुजर रहा है गली से, और तभी सामने से आ रहे एक कुत्ते ने बच्चे पर अटैक कर दिया। बच्चा किसी तरह बच जाता है और फिर डरकर अपने घर में वापस चला जाता है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहा है टीकमगढ़ में किस तरह से आवारा कुत्तों का आतंक है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पागल कुत्ता बताया जा रहा है, जिसने पहले महिला पर अटैक किया। उस महिला को बचाने के लिए एक शख्स वहां पर पहुंचता है, उस पर भी पागल कुत्ते ने हमला कर दिया। और ये दूसरी तस्वीर, जहां पर एक बच्चे को पागल कुत्ते ने निशाना बनाया है। जी मीडिया संवाददाता आरबी सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरबी, अभी तक निगम की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है इन कुत्तों पर, जो आए दिन बच्चों को, बुजुर्गों को अपना निशाना बना रहे हैं? आपको बता दूं कि जब टीकमगढ़ शहर के वार्ड नंबर 22 की घटना है, जहां एक बालक, छोटा सा बालक, अपने घर से जैसे ही दूसरे घर के लिए निकलता है, उसी भी ताक लगाए बैठा है एक पागल कुत्ता, वहां से उसको निकल के उस बच्चे को काट लेता है। और उसके बाद एक महिला गुजर रही होती है अपने कुत्ते को लेकर, तो उसके बाद उस महिला के ऊपर अटैक करता है। और उस महिला को बचाने के लिए जैसे ही एक अन्य पुरुष दौड़ता है, युवक दौड़ता है, तो उसको भी उसके ऊपर भी वो हमला कर देता है, उसको भी काट देता है। और ये घटना टीकमगढ़ की केवल कल की घटना नहीं है, इसके अलावा भी शहर में कई वार्डों में इस प्रकार के पागल कुत्ते घूम रहे हैं, और जिसकी कई बार सूचना भी नगर पालिका प्रशासन को दी गई, उसके बावजूद भी नगर प्रशासन द्वारा आज तक कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई इन कुत्तों के खिलाफ कि जैसे इन कुत्तों पर वो कंट्रोल किया जा सके, या इन कुत्तों को पकड़ के बाहर किया जा सके। और इन कुत्तों के भय से अधिकांश स्कूलों के बच्चे भी भयभीत रहते हैं, जिसको लेके बच्चों के अभिभावक घर से लेके बच्चों को स्कूल तक ले जाते हैं कि कहीं इनके बच्चों के ऊपर कुत्ते अटैक न कर दें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आरबी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब यही देखना होगा कि सीसीटीवी फुटेज के बाद क्या निगम जागेगा, क्योंकि लगातार ये आतंक टीकमगढ़ में बढ़ रहा है, लेकिन निगम की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही है। और यहां तक कि अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी कुत्तों को लेकर कड़े नियम कायदे बनाए गए हैं, लेकिन यहां पर किसी तरह का कोई नियम, कोई कायदा दिखाई नहीं दे रहा है।